जिसके पीछे मिनरिया समाज की पहचान है। मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय उदयलाल जी साहब डांगी, अगर तेरे बाप दादाओं को ये याद नहीं था क्या कि गरीबी थी और गरीब आदमी था तब तुम्हारी आंखें नहीं खुलती थी। अब जब तुम्हारा सारा है कुंदवा लुट गया, अब कह रहे ये भी दे देंगे, कहां से दे देगा रे, कहां से लाएगा? अभी लाया था ना 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 कर्जा माफ। अब आप सब किसान भाई बैठे हो, रामधन से कितने कितना कर्जा माफ हुआ बता दे। मैंने लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, मंच से दे रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से दे रहा हूँ, झूठ बोलना बंद कर, केवल एक काम कर दे, तेरी सच्चाई हो तो एक एक तहसील के हिसाब से एक लिस्ट जारी कर दे, ये रामलाल मोहनलाल फला किसान का मैंने इतना कर्जा उसके खाते में डाल दिया, ये कागज का छूतिया पकड़ाने से बच्चा नहीं निकलता है, पैसा ट्रांसफर हुआ ना ये बताया, ये चक्करबाजी कब तक चलेगी? और वसुंधरा जी ने 50,000 का कर्जा सितंबर के महीने में माफ किया ना, अभी सितंबर में हमने माफ किया है। राजस्थान के 8,400 करोड़ रुपया हमने अत्तू नामे लिख करके उसकी मदद की है। अगर लगान माफ करे तो भैरव सिंह किसानों का, अगर 14 कलम का टैक्स छोड़े तो भैरव सिंह, लगान छोड़े तो भैरव सिंह, है ना, वो जो आपको लेविया चुलती थी वो लेविया खत्म करता तो भैरव सिंह, है ना, मिनिमम चार्ज खत्म करे तो भैरव सिंह, 10,000 का कर्जा माफ करे तो भैरव सिंह, 50,000 का कर्जा माफ करे तो वसुंधरा जी, किसान की कीमत फसल का 1.5 गुनी बढ़ाए तो नरेंद्र मोदी, और अब के बाद नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपया डालने की घोषणा करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ये क्यों किया? क्योंकि कमाई की है, फोकट में नारा नहीं लगाया, जेब में तो एक भाई नहीं है, कह रहा यही कर दूंगा, कभी कहां से करेगा रे? इस आदमी ने कमा करके खजाना भरा है और उसके बाद दे रहा है। अगर नहीं हो तो मेरी चुनौती आ जाए मंच पर। हमारी टैक्स आमदनी कितनी थी 16 में? आमदनी इस हिंदुस्तान की टैक्स की आमदनी 5,62,000 करोड़ थी, 5,62,000, और आज हिंदुस्तान की टैक्स आमदनी है 12,00,000 करोड़। जीएसटी लगा करके टैक्स वसूल करने की कोशिश की, हमारी किसी की आदत ही नहीं टैक्स देने की, राम धर्म से। अगर आप रेडियो लेने जाओ, रेडियो वाला के, अरे काका जी यार अगर बिल बढ़ाओगे 200 रुपये और लगे, आवड़ कहीं नहीं करता, ला दे, सच है कि नहीं यार? तुमने भी किया, मैंने भी किया, लेकिन इस आदमी ने इस जीएसटी के माध्यम से ये जो बेईमानी है इसको कंट्रोल करने का। बूथ पर मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्पना के साथ आज ये शक्ति केंद्र का सम्मेलन सम्पन्न हुआ, और ये संकल्प लेकर कार्यकर्ता उठे कि हम एक महीने तक प्रत्येक घर और ढाणी तक घर घर जाकर हमारी सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, मिलेंगे, प्रवास करेंगे, और हर घर पर जाकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, ताकि इस देश के विकास का रास्ता आगे बढ़े और एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार फिर से बने, ताकि दुनिया में भारत का जो गौरव है, जो वैभव है, हमेशा बढ़ता रहे। इसी विश्वास के साथ और इसी संकल्पना के साथ आज ये शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए हमारे लेक्सी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए बेहतरीन वीडियो।